Hello everyone, welcome to Mohit Agriculture Tutorials. My name is Mohit Gupta और आज फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए, नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं. द टॉपिक इज Meselson and Stahl एक्सपेरिमेंट ऑन डीएनए रेप्लिकेशन. हाल ही में मेरे पास एक कमेंट आया जिसमें लिखा हुआ था कि सर आप इंजाइम्स तो पढ़ा रहे हैं, रेप्लिकेशन के बारे में बात करें, सर आपने मैकेनिज्म नहीं बताया कि रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या होने वाला है. तो मैकेनिज्म के ऊपर तो वीडियो बनेगी ही, फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. बहुत ही दो होनहार जो साइंटिस्ट हैं Meselson और Stahl, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया जिसने न्यू बदल दी है, एक बायोटेक्नोलॉजी को एक दिशा दी है, ये एक्सपेरिमेंट था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट. इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे. तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डीएनए आखिर में रेप्लिकेट कैसे करता है. इसके बाद वाली वीडियो शायद मैं लेके आऊं डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म पे, तो उसको जरूर देखिएगा. इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरी की पूरी शुरू से अंत तक, ताकि अगर आप रेप्लिकेशन को समझना चाहते हैं, मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट को इसको देखना बहुत जरूरी है. चलिए देखते हैं. तो इन्होंने क्या कहा कि Meselson और Stahl के एक्सपेरिमेंट से पहले हमें यह जान लेते हैं कि आखिर में डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है. तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कुछ बॉन्ड्स की वजह से, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से आपस में लिंक्ड होते. अब अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को निकाल दूं, इसके बीच से इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को निकाल दूं, तो यहां पे क्या होगा, दोनों के बीच में गैप बन जाएगा. तो ऐसा ही कुछ होता है जब डीएनए रिप्लिकेट करता है, उसके अपने कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और बीच में दो छोटे छोटे जो है हाइब्रिड टाइप के नए स्ट्रैंड्स आके बन जाते हैं, जो इन लोगों को तोड़ के आपस में इनसे जुड़ जाते हैं, आपस में इनसे कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड एक हाइब्रिड बन जाता है, और फिर एक जनरेशन के बाद F1 के बाद F2 जनरेशन में ये अपना रिजल्ट देता है. ठीक है, हाइब्रिड बनने वाली जनरेशन कौन सी है, हाइब्रिड बनने वाली जनरेशन होती है F1 जनरेशन, और F2 में ये अपना रिजल्ट देता है जिसका रेशियो आता है 3:1, जो कि मेंडेलियन रेशियो के एज इट इज इक्वल होता है. ठीक है, तो ये तो आपके लिए एक मैंने जानकारी दे दी, स्टार्टअप जानकारी दे दी कि रेप्लिकेट कैसे करता है. अभी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे तो सब चीजें धीरे धीरे जो आपके सामने है खुलती जाएंगी. किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर देता हूं मैं. ओके, सो इस टॉपिक को समझने से पहले, इस एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि ये टॉपिक मेंडल के एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है. जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के ऊपर जुड़ा हुआ है. मेंडेल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इनहेरिटेंस को प्रूव करने के लिए, उससे बहुत ही ज्यादा लिंक्ड है. कैसे लिंक्ड है, मेंडेल का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने एक मटर का पौधा लिया जिसके जेनेटिक कैरेक्टर जो थे वो अलग थे, आई थिंक पर्पल फ्लावर थे उसके, और एक मटर का पौधा लिया था विद अ वाइट फ्लावर, राइट, वाइट फ्लावरिंग एक पौधा लिया था. तो दो तरीके के मटर के पौधे लेके क्रॉस कराता है और F1 जनरेशन में हाइब्रिड को जनरेट करता है. हाइब्रिड जो है वो दोनों की क्वालिटीज को रिसेंबल करता है, बट क्योंकि ये हाइब्रिड डोमिनेंट कैरेक्टर रखता है पर्पल का, इसलिए यहां पे पर्पल फ्लावरिंग होती है. पर जब ये आता है F1 जनरेशन में, तो यहां पे जो क्वालिटीज होती है वो दो होमोजाइगस इंडिविजुअल आते हैं और दो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल आते हैं, और रेशियो आता है 3:1. तो ये मेंडल के अनुसार कहा गया कि 3:1 रेशियो है. तो ये तो बात हो गई मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में. अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए जेनेटिक्स जीन पे पूरी पूरी जो है निर्भर करती है. अगर आप किसी भी बंदे का जेनेटिक जो है आगे वेरिएशन जानना चाहते हैं, तो आपको उसके जीन को समझना पड़ेगा जेनेटिकली वो कैसा, सोमाक्लोनल जो आपका जो जेनेटिकली जैसा वेरिएशन आएगा, सोमाक्लोनल नहीं वेरिएशन, जेनेटिकली सोमाक्लोनल की वेरिएशन, मैं धोखे में टर्म आ गया जो वहां पे, अब इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा इसी वीडियो में. जो जेनेटिक वेरिएशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको जानने के लिए उस बंदे के जीन को जानना बहुत जरूरी है. और जीन को कैसे जानेंगे, जीन रिप्लिकेट करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, रिप्लिकेट करता है अपने आप की अपनी क्वालिटीज को जो है वृद्धि करता है, मतलब कोई नई क्वालिटीज को जोड़ता है, या तो वो अगर अपने को ही जो है रिप्लिकेशन अपना ही कर रहा है, केवल अगर अपना ही रिप्लिकेशन कर रहा है तो अपनी जैसे और जीन्स को पैदा करता जाएगा. लेकिन जब भी कभी दो चीजों का हाइब्रिड बनता है, मतलब दो चीजों के बीच में क्रॉस होता है, फॉर एग्जाम्पल एक लंबा है एक बौना है, दो के बीच में क्रॉस हुआ तो क्या होगा, दोनों के जीन मिल जाएंगे,
तब क्या होगा, ये एक हाइब्रिड जीन को जनरेट करेगा। जैसा मैंने बताया F1 जनरेशन में क्या जनरेट होगा, एक हाइब्रिड जीन जनरेट होगा, ठीक है। और फिर F2 जनरेशन में हमको एक रेशियो मिल जाएगा 3:1 का, क्योंकि उनमें से कोई एक डोमिनेट होगा और कोई एक रिसेसिव जीन होगा, तो डोमिनेट वाला अपने आप को शो कर रहा होगा। तो जहां पे भी हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म आएगा वहां पे डोमिनेंट वाला अपने आप को शो कर रहा होगा। दिस इज मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। तो ऐसा ही कुछ ये एक्सपेरिमेंट था मिसेलसन और स्टॉल का। अब मुझे फिर से रब करना पड़ेगा। ओके, सो मिसेलसन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले मिसेलसन और स्टॉल ने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया फॉर जेनेटिक रेप्लिकेशन स्टडीज, राइट। सो व्हाट दे डिड इज, फर्स्टली दे कैरीड अ पॉट विच कंसिस्ट ऑफ N15, नाइट्रोजन 15, राइट, एंड अनदर पॉट, द सेकेंड नंबर ऑफ द पॉट वॉज कैरिंग N14, सो द पॉट वॉज नेम्ड N15 पॉट एंड N14 पॉट। ओके, नाउ दे कल्टिवेटेड E. coli over N15, very firstly, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, E. coli को लिया, इसलिए कोलाई को लिया और उसको N15 पॉट में कल्टिवेट किया। अब क्या हुआ, E. coli अपना रिप्लिकेशन करता है, अपनी वृद्धि करता है। E. coli 1-2 होता है, 2-3 होता है। अब ऐसा इन लोगों ने क्यों किया, E. coli को N15 पॉट में क्यों इन लोगों ने जो है कल्टिवेट किया, ताकि E. coli की जो DNA है, DNA पे मार्कर्स लग जाए, बैंड्स बन जाए। अब ये डीएनए बैंडेड बाय N15, राइट। अब इसमें क्या है, एक मार्कर लग गया है N15 का। अब इस डीएनए को हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये डीएनए जो है कौन सा डीएनए है, N15 वाला डीएनए है, मतलब कि हमारा जो है डोमिनेंट डीएनए है, ठीक है। यहां पे इन लोगों ने डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, पर जब आप 2-3 थ्योरीज को आपस में मिक्स करते हैं, क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा तो मैं 2-3 थ्योरीज को आपस में मिक्स कर रहा था, मैं साथ में जेनेटिक्स भी पढ़ा था, साथ में ये भी पढ़ा था। तो जब इन दोनों थ्योरीज को जब आपस में मिक्स करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ये चीज समझ में आती है कि डोमिनेंट यहाँ पे रेसेसिव भी यहाँ पे है। तो ये जीन के बारे में बात हो रही है, जेनेटिक्स भी पूरी पूरी जीन पे बेस्ड है, मैं पहले इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, N15 में इन लोगों को ग्रो किया और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, बैंड्स बनवा ली इनके डीएनए में। अब इनका डीएनए N15 मार्क डीएनए है, N15 मार्क डीएनए। तुरंत उसके बाद इन्होंने ई कोलाई को ले लिया और प्लांट कर दिया N14 पॉट में। अब क्या हुआ, N15 से लिया N14 में प्लांट किया। अब जो इसकी जो संतानें आई वो N15 मार्क डीएनए के साथ हैं, पर जब N15 मार्क डीएनए ई कोलाई है उसको ले जाके प्लांट करते हैं N14 में, तो यहां पे भी ये रिप्लिकेट करेगा और यहां पे ये अपनी जो है जनसंख्या को बढ़ाएगा। तो यहां पे भी इसने किया और ये प्रोसेस कौन सा था, माइटोसिस चल रहा था यहां। माइटोसिस प्रोसेस के दौरान ई कोलाई ने अपनी जनसंख्या को बढ़ाया, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया, रेप्लिकेट किया और अब जो नया डीएनए आया वो डीएनए था हाइब्रिड डीएनए, राइट, कंटेनिंग बोथ द डीएनए N15 एंड N14 डीएनए। बोथ ऑफ द डीएनए वर कंटेन्ड इन दिस काइंड ऑफ मिक्सचर, राइट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द N15 डीएनए, द N15 डीएनए इज the DNA that is F0 generation DNA, means it is the zero generation, that is the starting parental generation, is the F15 DNA. And F1 generation DNA is N14 and N15 hybrid DNA, means a heterozygous DNA molecule. Is it all clear? Heterozygous DNA molecule है ये। अब जब ये hybrid बन चुका है, ये F1 generation की मैं बात कर रहा हूँ। अब इन्होंने इसके बाद में क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज किसके द्वारा किया, सीएसएम क्लोराइड के द्वारा, सीएससीएल के द्वारा इन्होंने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया। अब सीएससीएल को इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने फ्लास्क में, एक इन्होंने टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया, सीएससीएल को लिया। सीएससीएल में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सीएससीएल में इन्होंने डाल दिया इसको जो N15 मार्क डीएनए था, मतलब कि F0 जनरेशन का डीएनए जो था उसको डाला। तो F0 जनरेशन का जो डीएनए था वो एक नॉर्मल डीएनए था, तो वो क्या कर रहा था, वो यहां पे फ्लोट कर रहा था, ठीक है। इट वॉज लाइटर इन डेंसिटी, सो ये वो यहां पे फ्लोट कर रहा था। फिर जब ये लोग डालते हैं इसी में, किसको डालते हैं,
इसी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, जब एक हाइब्रिड डीएनए को, अब इस डीएनए को निकाला गया, दूसरी सेशन क्लोराइड की जो है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब तैयार की गई, और उसमें इन लोगों ने क्या किया कि दोनों के हाइब्रिड को डाला, N15 और N14 के हाइब्रिड को डाला, तो वो इट वॉज सर्टेनली हेवियर इन डेंसिटी, नॉट इट वॉज सर्टेनली लाइटर इन डेंसिटी देन N15 पॉट ऑफ N15 मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए, राइट, N15 मार्क मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए. अब ये जो N15 मार्क मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, दिस वॉज लिटिल बिट हेवियर देन द हाइब्रिड डीएनए. इट मींस दैट द N14 डीएनए मॉलिक्यूल, N14 स्ट्रैंड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड, राइट. सो इन दिस केस इट इज अ प्योर, इट इज अ प्योर केस, होमोजाइगस केस, N15. But when we talk about N14, so N14 is a little bit lighter one. So N14 and N15 hybrid is there. Now, this one was heavier. It means that this molecule has the density that was much more than the hybrid one. It means N14 molecule will be the lighter one molecule, right? N15 DNA strand will be the lighter strand. So what happened is that this one was heavier, so it settled little down than the hybrid DNA. So hybrid DNA band was originated further above the band, further above the band that was pure marked band of the N15 DNA. So this condition is applied in the case of hybrid DNA, that it is certainly lighter. But when they talked about the F1 generation, then when they talked about the F2 generation DNA, now when we talk about the Mendelian law, जब हम लोग Mendelian law के बारे में बात करते हैं, तो जब दो hybrid के बीच में जब cross होता है, one hybrid crossed with the another hybrid, right? When one hybrid is crossed with another set of hybrid, then what will happen? One hybrid is crossed with another set of hybrid, then what will happen? That the ratio that we will get will be 3:1, means 3 will be homo, means 3 will be containing the qualities of N15 dominant one, and 1 will be purely containing the qualities of the N14. Now why this ratio came 3:1, इसके बारे में हम बात कर चुके genetics वाली वीडियो में भी, क्योंकि एक जो है वो heterozygous organism है, मतलब कि एक आपका जो है N15 है और एक इसमें N14 है, बट डोमिनेंट होने के कारण यहां पे क्या होगा कि N15 वाला अपने आप को ज्यादा शो करेगा, रिसेसिव वाले को दबा देगा, इसको दबा देगा, तो यहां पे 3:1 रेशियो आता है. अब इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने इस केस में देखा, तो इन्होंने ये देखा कि वन वॉज द लाइटर वन, दैट वॉज N14, और N14 क्या किया, N14 जो है ऊपर जो है हायर डेंसिटी, मतलब लोअर डेंसिटी की तरफ गया, और ये जो N15 वाला जो मॉलिक्यूल है डीएनए का, ये तीनों के तीनों केस में एक तरीके की बैंड बना रहा है आके नीचे उसके. तो दिस मींस दैट डीएनए रेप्लिकेटेड, एंड दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए इन लोगों ने यूज किया सेशियम क्लोराइड को, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके, So, ये था पूरा का पूरा मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन का. बट कहीं ना कहीं मेसलसन और स्टॉल ने इसको सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा, क्योंकि कंजर्वेशन इन दिस डीएनए, दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन वॉज 50:50 मींस हाफ ऑफ द डीएनए विल रेप्लिकेट क्वाइट इजिली, एंड हाफ ऑफ द डीएनए विल बी मिक्स, half of the DNA will be of N15 and half of the DNA will be of N14. So semi-conservation of DNA is shown in this model, right? So ये बहुत ही ज़्यादा इसमें खिचड़ी पकी हुई है इस एक्सपेरिमेंट में. आप देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, बट मुझे पता है कि ये चीज़ आपके लिए भी अभी टिपिकली समझने में होगी, बट बहुत इजी है. देखिए कुछ नहीं इन्होंने किया, सबसे पहले इन लोगों ने N15 पॉट को तैयार किया, E coli को सबसे पहले N15 पॉट में इन लोगों ने क्या किया, ग्रो करने दिया, कल्टीवेट होने दिया. उसके बाद में इन्होंने N15, जब ये N15 बैंड जब इनमें लग गई, तो N15 बैंड वाले को निकाल के इन्होंने N14 में डाला. अब ये डबल बैंडेड हो गए, ये कौन सी जनरेशन थी, F0, ये F1 जनरेशन थी. अब इन लोगों ने क्या किया, जो दोनों हाइब्रिड तैयार हुए, मतलब N14 और N15 दोनों की बैंड के साथ तैयार थे, इन दोनों को इन लोगों ने क्रॉस करवा दिया. अब इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद वही मेंडल का लॉ वहां पे लगता है, 3:1 रेशियो आता है, जिसमें कि
तीन जो है एक क्वालिटी को रिजेंबल कर रहे होंगे और एक जो है अपना होमोजाइगस अलग एक क्वालिटी को रिजेंबल कर रहा होगा। तीन बैंडेड होंगे विद N15 एंड वन विल बी कंप्लीटली बैंडेड विद N14। सो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जेनेटिक से कोरिलेटेड, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेसेलसन और स्टॉहल के एक्सपेरिमेंट का ऑन डीएनए रेप्लिकेशन। सो गाइस ये वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ एंजाइम्स, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ डीएनए, हाउ द डीएनए रेप्लिकेट्स, ताकि आप कभी भी अगर बायोटेक्नोलॉजी को लेते भी हैं एज अ सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, तो वहां पे आपको ये सब एक्सपेरिमेंट्स याद करने पड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ हेल्प मैं शायद आपको कर रहा हूं इसके थ्रू। सो गाइस 1958 में एक्सपेरिमेंट किया गया था मेसेलसन और स्टॉहल के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एवरी वीडियो राइट, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को हिट कर दीजिए, बेल को हिट कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।